गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अपने पढ़ रहे थे पॉइंट नंबर 3 ऑन शेक्सपियर 1630 जॉन मिल्टन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसकी इससे पहले जो क्लास थी उसमें हमने इसकी जो बेसिक थीम थी उसके बारे में हमने पढ़ा, जो भी पोइम की थीम थी उसके बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, अब अपने जो है इसकी रीडिंग करेंगे। वही चीज जो हमने थीम में पढ़ा लगभग वही सिमिलर, पूरा ध्यान अभी तक देख करके अपने इसको पढ़ते हैं। यहाँ पर बता देता हूँ कि जॉन मिल्टन जो है वो शेक्सपियर के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, उनकी प्रसिद्धि के बारे में बता रहे हैं कि तुम्हें किसी भी तरीके के आडंबर की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें किसी भी तरीके की जो है फिजिकल मॉन्यूमेंट्स बनाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुमने अपनी राइटिंग के द्वारा जो है लोगों के हृदय के अंदर जो है अपनी जगह बनाई हुई है, इसलिए तुम्हें किसी भी फिजिकल जो है उसकी मॉन्यूमेंट्स की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, What needs my Shakespeare for his honored bones? What needs my Shakespeare? उस Shakespeare के प्रति जो है अपना तो बताते हुए, उनको जो है संबोधन करते हुए वो क्या कह रहे हैं? What needs my Shakespeare for his honored bones? Honored bones यानी कि जो सम्मानित उनकी अस्थियां हैं उनके लिए आया है, सम्मानित जो उनकी अस्थियां हैं उनकी जो है उनके लिए जो है व्हाट नीड्स माय शेक्सपियर फॉर हिज ऑनर बॉन्ड्स, क्या आवश्यकता है, नीड्स यानी आवश्यकता है मेरे शेक्सपियर को फॉर हिज ऑनर बॉन्ड्स, उनकी जो सम्मानित अस्थियां हैं। नेक्स्ट, द रेकॉर्ड ऑफ एन एज ऑन पाइल स्टोन्स। ठीक है, लेबर के द्वारा कुछ समय जो है लेबर करके या मेहनत कर करके ऑन पाइल स्टोन्स, एक पत्थरों का जो है मोनूमेंट्स बनाने की क्या आवश्यकता है, यानी कि मेरे शेक्सपियर को जो है उनकी जो ऑनर बॉन्स हैं उनकी जो पवित्र अस्थियां हैं उनको मेहनत के द्वारा, उस समय मेहनत के द्वारा पाइल स्टोन बनाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, यानी कि पत्थर के नीचे जो है मोनूमेंट्स बनाकर के पत्थर का उसके नीचे उनकी अस्थियां दबाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इस लाइन को ध्यान से याद समझेंगे। उसके बाद में वो कहते हैं ओ या फिर दैट हिज हैलो रेलिक्स शुड बी हिट अंडर ए स्टार पॉइंटिंग पैरामेंट। ठीक है, और उनकी जो हैलो रेलिक्स हैं उनकी जो पवित्र जो स्मृतियां यानी कि उनकी जो हड्डियां जो हैं उनके लिए आया है, और दैट हिज हैलोड रेलिक्स शुड बी हिड, क्या आवश्यकता है उसको जो है छुपाने की, अंडर ए स्टार पॉइंटिंग पैरामिट यानी कि ऊंचा आसमान छूता हुआ पैरामिट यानी कि जो मोनूमेंट बनाने की क्या आवश्यकता है, यानी कि आसमान छूता हुआ पैरामिट बना करके उनके इसके नीचे जो है छुपाना उनकी पवित्र अस्थियों को, इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इस चीज को ध्यान से देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक इसका सेंस जो है वो इकट्ठा अपने पढ़ेंगे। What needs my Shakespeare of his honored bones, the labor of an age on piled stone, or that his hallowed relics should be hid under a star pointing pyramid, यानी कि उनकी जो पवित्र जो उनकी हड्डियां यानी कि स्मृति है उनकी जो है उनको जो है क्या आवश्यकता है, शेक्सपियर की जो ऑनर बॉन्स है उनको क्या आवश्यकता है लेबर करके मेहनत करके जो है एक पाइल स्टोन बनाया जाए, मोनूमेंट्स बनाया जाए, या फिर दैट इज हैलोड रेलिक्स शुड बी हिड अंडर ए स्टार पॉइंटिंग पिरामिड, या फिर उनकी जो पवित्र अस्थियां हैं उनको जो है ऊंचे ऊंचा मोनूमेंट बनाना, एक पिरामिड बनाना, मकबरा बनाना, और उसके नीचे उसको छुपा देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आगे उस जो है उनको संबोधन करते हुए कहते हैं डियर सन ऑफ मेमोरी ग्रेट एरो फैन, उनको संबोधन दे रहे हैं कि डियर सन ऑफ यानी कि मेमोरी के यानी प्रसिद्धि के जो है महान पुत्र
ठीक है, ग्रेट एयर ऑफ फ्रेंड, प्रसिद्धि के उत्तराधिकारी, महान उत्तराधिकारी किसके, प्रसिद्धि के। व्हाट नीड्स थाउ सच वीकनेस ऑफ थाई मैन, और तुम्हें क्या आवश्यकता है इन वीकनेस की तुम्हारे नाम के लिए, यानी कि तुम्हारे नाम के लिए इन वीकनेस की क्या आवश्यकता है, इन कमजोर जो गवाह बनने वाले हैं इनकी तुम्हें कोई भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्या कह रहा है, डियर सन ऑफ मेमोरी, ग्रेट एयर ऑफ फ्रेंड, व्हाट नीड्स थाउ सच वीकनेस ऑफ थाई मैन, तुम्हारे को जो है तुम तो प्रसिद्धि पाए हो, प्रसिद्धि के पुत्र हो, ठीक है, और तुम जो मेमोरी के अंदर हो, लोगों की याददाश्त के अंदर हो, लोगों के दिलों के अंदर हो, और तुम जो है प्रसिद्धि के उत्तराधिकारी हो, तो तुम्हें क्या आवश्यकता है इस तरीके की वीकनेस की तुम्हारे नाम के लिए, थाई मैन योर मैन, तुम्हारे नाम के लिए ऐसी कोई भी आवश्यकता नहीं है, ऐसे करने की आवश्यकता नहीं है। आगे कहता है नाउ इन आवर ओनर एंड एस्टोनिशमेंट, यानी कि तुम जो है तुम जो है हमारे आश्चर्य, ठीक है, और अचंभित करने वाले हो, हमें क्या करते हो, आश्चर्यचकित करते हो, अचंभित करते हो, हैस्ट बिल्ट थाइसेल्फ ए लॉन्ग मॉन्यूमेंट, किस तरीके से जो है तुमने क्या कर लिया है, लंबा जो है मॉन्यूमेंट बना लिया है, जीवन पर्यंत वाला, जलने वाला, हमेशा रहने वाला तुमने क्या कर लिया है, मॉन्यूमेंट बना लिया है। कैसे बना लिया है तुमने लॉन्ग मॉन्यूमेंट, तुमने अपनी राइटिंग के द्वारा बना लिया है, किस तरीके से बना लिया है, राइटिंग के द्वारा जो है तुमने पूरा एक मकबरा बना लिया है, यानी कि लोगों के हृदय के अंदर तुमने एक स्थान बना दिया है। ठीक है, तो तुम्हें इस तरीके की, इस पूरे पैराग्राफ के अंदर वो इसी तरीके की बात हमें समझाने की कोशिश कर रहा है, वो संबोधन के द्वारा हमें बता रहा है, क्या बता रहा है कि तुम्हें जो है ना, तुम्हारी जो पवित्र अस्थियां हैं उनके लिए उनको दफना करके उसके ऊपर बड़ा सा मकबरा बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि तुम्हें इस तरीके की कमजोर विटनेस की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि तुम्हारी जो राइटिंग है ना, जो हमें क्या करती है, वंडर और एस्टोनिशमेंट करती है, हमें अचंभित तो आश्चर्यचकित करती है। क्यों, क्योंकि तुम कोई जो है किस तरीके से जो है इतना लाइफलॉन्ग मॉन्यूमेंट बना सकता है, कैसे जो है इस तरीके से अपनी राइटिंग के द्वारा पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर वो फेमस हो सकता है, ये बात जो है हमें इसके अंदर पढ़ने के लिए मिलेगी। इसी तरीके का एक नेक्स्ट पैराग्राफ है जो अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, आप इसकी दोबारा से रीडिंग देंगे और इसको जो है करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।